Only the best for you. गुजर रहा है इनको इनको बेसिकली देखे बिना नहीं जा रहा है ये स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में और आज हम आए हुए हैं हैम्बर्ग सिटी जो कि जर्मनी का सेकंड लार्जेस्ट सिटी माना जाता है और अभी हम हैं मतलब मेन सिटी सेंटर में और मैं अभी आपको दिखाती हूँ यहाँ की बहुत फेमस बिल्डिंग यहाँ का राट हाउस जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर है और यहाँ पर हम आए हुए हैं हमारी फ्रेंड जेनेट के साथ में। आपने उनके साथ में और भी वीडियोज़ देखे होंगे और बाकी मैंने ऑलरेडी कल जब हम आए थे उसका भी व्लॉग बनाया है तो अगर आपने वो भी अगर आपको देखना है तो वो भी आप देख सकते हैं। और बाकी अभी हुई है सुबह तो अभी हम 9:30 हुए हैं, ब्रेकफास्ट नहीं किया तो हम कॉफी वगैरह ढूंढ रहे हैं और फिर आज घूमेंगे हैम्बर्ग सिटी। तो आज का दिन शुरू करते हैं और आप भी चलो हमारे साथ घूमो। सो नाउ वी आर गोइंग टू यूरोप पर्सन। So we just had like a little discussion about that. I am saying that that place is Europa Passage and she's saying that it's Europa Passage. Yeah, so we are going to Europa Passage to get a coffee and I show you like hum aapko dikhate hain ki hum kis bare mein baat kar rahe hain. To hum log pahunch gaye hain yahan pe aur ab dekhte hain yahan coffee milegi ki nahi. Europa Passage. तो अभी हम लोग एक रील बना रहे थे जिसमें जैसे जेनेट मुझे बताएगी कि जर्मन ब्रांड को कैसे बोला जाता है एक्चुअल में और हम इंडियंस कैसे बोलते हैं। तो वो पूरी रील अगर आपको देखनी है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे देख सकते हैं। लेकिन अभी थोड़ा सा वीडियो के लिए भी मैं पूछती हूँ जेनेट से कि जर्मन ब्रांड्स को एक जर्मन कैसे प्रोनाउंस करेगा। सो हाउ वुड यू से BMW BMW ऑडी ऑडी निविया निविया DHL DHL एडिडास एडिडास प्यूमा प्यूमा so different said to me it seems so guys abhi rat house aaye hain aur maine mic nikal diya hai to shilpa keh rahi hai are sound kharab ho jayegi kal ki tarah so let's see kaisa kya sound rehti hai so europa passage ka discussion hone ke baad mein hum log abhi search kar rahe hain coffee and bread germans ka din bread ke bina kaise start ho sakta hai right so we are in the rat house area और ये कल इतनी ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे। क्या कह रहे हो शिल्पा? कल इतनी ज्यादा भीड़ थी यहाँ पे और आज सिर्फ हम आए हुए हैं। आज तो एकदम सुना सुना हो रहा है राइट। Why I'm walking so fast? मैं थोड़ा तेज चल के आगे आगे। ये पीछे आप देख सकते हैं राठा हाउस की बिल्डिंग है। मैं मेरी मुंडी हटा देता हूँ यहाँ से। थोड़ा हम दूसरा शॉट लगा देंगे। ये मुंडी हट नहीं पा रही है। सो शिल्पा क्यों हंस रहे हो इतना यार? आपकी बातों में। सो राठा हाउस का गूगल मैप्स किसने लगाया? किसके फोन में है राठा हाउस का गूगल मैप? आई थिंक इट्स बेटर हियर। व्हाट आर यू डूइंग जस्ट चेंजिंग हैंड्स? अरे ये सो शिल्पा कौन यू आर डूइंग सो कौन सी वाली कॉफी लेने का प्लान है? हां कौन सी वाली कॉफी लेने का प्लान है? तो बहुत घूमने के बाद में फाइनली हमको कॉफी मिल गई है ब्रेकफास्ट करने के लिए। तो मैंने ली है जावा चिप फ्रैपेचिनो। मेरा हमेशा का स्टैंडर्ड यही ऑर्डर रहता है स्टारबक्स में। आपने क्या लिया? मैंने लिया कैरामेल मैक्याटो और वीगन फ्लैटब्रेड। या ब्रेड जर्मंस कांट स्टार्ट देयर डे विदाउट ब्रेड। सचिन आपने क्या लिया? सुबह की शुरुआत चाय के बजाय कॉफी से करनी पड़ रही है बिकॉज चाय का जुगाड़ आज हो नहीं पाया है। सो मैंने लिया है कैफे अमेरिकानो और शिल्पा और जेनेट अपनी बैठ के कॉफी ब्रेड के ब्रेड को एंजॉय कर रहे हैं। I have some shots I'm going to put in now. Okay. So just sit with me talking to the night until the morning building can't mystery. I don't think I ever want to go come closer next to me. Trying to find another way to say this, but I think we were meant to be. Don't shake it too much. Is it wide angle, normal angle? 1x, 1x, right? Okay, ready? सो राट हाउस पे अभी हम लोग आए हैं और यहाँ पे हमने देखा है चार फैंसी गाड़ियाँ हैं। दो हैं इसमें पोर्शे और दो है फरारी। बहुत ही अमेजिंग लग रही हैं। और उस यहाँ पे क्या इनका फोटो शूट चल रहा है
प्लस जो FPV ड्रोन्स होते हैं जिसमें बेसिकली आप एक वर्चुअल वो रियलिटी टाइप का आपको एक्सपीरियंस मिलता है, उससे भी इनकी शूटिंग चल रही है। हम लोग भी कोशिश करते हैं ड्रोन फ्लाई करने का, और जो भी यहाँ से पास कर रहा है सब लोग फोटोज वोटोज ले रहे हैं, बिकॉज ऑफकोर्स दो फरारी और दो पोर्शे एक साथ में दिखना कॉमन नहीं है, बहुत ही बढ़िया लग रही है। मैं क्विकली गाड़ी में जाता हूँ, ड्रोन लेके आता हूँ, फिर देखता हूँ यहाँ पे क्या रेगुलेशन है, अगर हम फ्लाई कर सकते हैं तो फ्लाई करने की कोशिश करेंगे। मैं आपको यहाँ पे क्लोजर एक वीडियो लगा दूंगा। ये वाला जो ड्रोन होता है ये FPV ड्रोन होता है, इसमें बेसिकली काफ़ी फास्ट मूवमेंट होता है यार, और वहाँ पे एक बंदा है जो इसमें ग्लासेस लगा के एंड देन बेसिकली उसको फ्लाई कर रहा है। इसमें आपको ड्रोन को नहीं देखना होता है, उसमें आप अपने कैमरे में देखते रहो। और ये वाली हैं गाड़ियाँ, काफ़ी क्लासी। जो भी यहाँ से गुजर रहा है इनको इनको बेसिकली देखे बिना नहीं जा रहा है। तो ये राट हाउस के जस्ट सामने यहाँ पे जैसे ये वाटर एरिया है, और ये इतना ज्यादा सुंदर है, यहाँ पे आप देख सकते हैं इतनी सारी डक्स हैं, और जैसे बोट्स भी चल रही थी, अभी चली गई एक बोट, इतनी सही लग रही थी वो। और जैसे यहाँ पे बहुत सारी शॉपिंग के लिए जैसे शॉप्स हैं, कैफेज वगैरह, जैसे आप वहाँ बैठ के खा सकते हो। तो ये पूरा ही काफ़ी अच्छा एरिया है, बिकॉज इसके चारों तरफ मतलब ऐसे अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर बिल्डिंग है, बीच में ये पानी है। और जैनेट अभी सोच रही है कि मैं क्या बोले जा रही हूँ। You're thinking like, what is she blabbering? Blah, 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 no, blah, blah. It's beautiful. It's yeah. so nice. It's so sundar. Yeah, it's so nice. Like with yeah. all the ducks and everything. And yeah. you know, you can sit there at night time and yeah. enjoy your dinner, or even yeah. now. Yeah. It's really really nice. Very it's so beautiful. Quiet also yeah. for being in the city. Yeah. Yeah. And yesterday, मतलब कल इतनी ज़्यादा भीड़ थी यहाँ पे, so crowded. Yeah. And today it's so calm and yeah. nice. Yeah. All for us. Yeah. It's we have booked it. It's our private space. She booked it for me. Of course, only the best for you. It's so nice with all the ducks and everything. Where are they? Oh, they're right there. There yeah. we go. yeah. yeah, it's so nice. You can eat, you can have drinks and have food, and I don't know, it's so nice and quiet. Yesterday, I'm just photo bombing your vlog. I know, you're just like, I feel like I'm here. Whenever I'm you're leaving. Whenever you're vlogging, I feel like every time just going like because I understand like, you know, parts of it, and then like and what then, is like, she saying? You know, just wanting to go like dude. Yeah. You can do that. Sachin is shooting us shooting. तो हम फिर से रील्स बना रहे थे जिसमें जैनेट ने मुझे दिया जर्मन सेंटेंस बोलने के लिए, और मैंने जैनेट को दिया हिंदी सेंटेंस बोलने के लिए। बताती हूँ क्या, मुझे भारतीय खाना बहुत पसंद है। मुझे खाना मुझे भारतीय मुझे भारतीय खाना खाना बहुत पसंद है, बहुत पसंद है। Now you give something to me. Ich liebe mein Leben hier in Deutschland. Ich liebe mein Leben hier in Deutschland. So you can see all these fun reels on our Instagram. So Rathaus की shooting finish हो गई है, और अभी हम लोग जा रहे हैं Elbe Tunnel. Elbe basically यहाँ पे जो river है उसका नाम है, और उसके नीचे से एक इन्होंने tunnel बनाई हुई है। काफ़ी उसके बारे में reviews वगैरह पढ़े हैं Google पे, तो basically वहाँ चल रहे हैं। So शिल्पा कैसा क्या चल रहा है बताओ कुछ। अच्छा चल रहा है, हम जेनेट को बहुत टॉर्चर कर रहे हैं हिंदी सिखाने में, और जेनेट हमें टॉर्चर कर रही है फाइनली जर्मन बुलवा के। एक्चुअली इट्स गोइंग वेरी गुड, वी आर हैविंग सो मच फन, इट्स लॉट ऑफ फन, वी मेड लॉट ऑफ रील्स। सो जेनेट हाउ इज योर हैमबर्ग? बहुत मजा आ रहा है। हां क्या, बहुत मजा आ रहा है। हाउ इज इट विद अस? बहुत अच्छा, दैट्स ऑल यू कैन से। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत बहुत अच्छा। तो अब हम लोग जा रहे हैं Elbe टनल। तो बेसिकली जैसे ये जो पोर्ट या रिवर है, Elbe रिवर है उसका नाम, और उसके अंदर से पूरा टनल है। तो अभी उसके अंदर जाएंगे और देखेंगे कैसा एक्सपीरियंस रहता है। और बाकी 20 मिनट की पार्किंग टिकट ली है, बिकॉज उसके बाद में मतलब और भी चीज़ें करनी है। तो अभी जल्दी जल्दी चलते हैं। तो ये एक पूरी लिफ्ट है, इसके अंदर हम जाएंगे और फिर ये हमको नीचे लेके जाएगी, और फिर नीचे वो पूरा टनल है जो रिवर के अंदर से जा रहा है। सो इंटरेस्टिंग। ये सारे जो साइक्लिस्ट आपको दिख रहे हैं पीछे, ये लोग भी बेसिकली इस टनल में जाने का वेट कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं काफी लोग साइकिल वाइकिल लेके आए हैं, तो ये लोग रिवर को क्रॉस करेंगे इस टनल के थ्रू।
बेसिकली ये जो टनल आपको सामने दिख रही है ये पूरी की पूरी जो रिवर है नदी है उसके एकदम नीचे है until 1911. और काफी कोल्ड भी लग रहा है बिकॉज आई थिंक ऊपर रिवर है इतनी बड़ी तो ठंडा तो लगने ही वाला है. कांट बिलीव अभी हम पानी के नीचे हैं. ये सामने पूरी की पूरी रिवर है. अमेजिंग फीलिंग है लाइक वी आर अंडर वाटर राइट नाउ एंड यू बोथ आर शूटिंग मी टुगेदर. व्हाई लुक एट द कंस्ट्रक्शन एंड एवरीथिंग. क्या गजब इंजीनियरिंग करी है इन लोगों ने. ये आ गए खूब सारे साइक्लिस्ट. ये बेसिकली इनका यूजुअल रूट होगा. ये लोग साइकिल वाइकिल अपना लेके जाते हैं और पूरा रिवर को क्रॉस करने के लिए. तो अब हम लोग ये टनल में मतलब जैसे अदर साइड जा रहे हैं आगे उस साइड मतलब हार्बर है और बाकी यहाँ पे काफी ठंड लगने लगी है. सो बेसिकली टनल के अंदर ह्यूमिडिटी भी इंक्रीज हो चुकी है क्योंकि वही है बाहर इतनी ज्यादा ठंडी है फिर अंदर से लोग गुजरेंगे या फिर आई डोंट नो कैसे. तो ये ह्यूमिडिटी की वजह से मुझे लग रहा है कि वाटर ड्रॉपलेट्स इतनी ज़्यादा आ गई हैं और काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है. मतलब दूर से जब हमने स्टार्ट किया था हमें लग रहा था कि इतनी बड़ी भी नहीं होगी. तो अब हम ये बोट ट्रिप लेने वाले हैं. तो हमने 1 आवर का बोट ट्रिप लिया है वहाँ से आप ले सकते हो और 20 यूरो की टिकट्स है पर पर्सन और मतलब 24 आवर्स से लाइक 24 आवर्स से पुराना नहीं होना चाहिए. कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट देके ही यहाँ पे रेस्टोरेंट शॉप्स और होटल्स वगैरह में एंट्री मिल रही है. तो अभी जैसे ये बोट है काफ़ी अमेजिंग लग रही है एक्चुअली काफ़ी रॉयल एकदम ऐसे जो रॉयल क्रूज होता है ना वैसी फील आ रही है. जैसे यहाँ पे काउंटर अभी तो बंद है बिकॉज ऑफ कोरोना. यहाँ पे जैसे नीचे जाने का भी है और फिर यहाँ से जैसे ऊपर जा सकते हैं. तो जैसे अभी हम ऊपर जाएंगे वहाँ से ओपन वाला वो है तो लेट्स गो. जैनेट वहाँ जाके ऑलरेडी बैठ गई. She has secured the best place. बढ़िया सी जगह ढूंढ ली है जेनेट ने. काफी सही है. You already reserved the nice seat. तो ये अभी हम एक लेवल ऊपर आए हैं. अभी एक लेवल और है तो वहाँ पे भी जाके देखते हैं कैसी सीटिंग अवेलेबल है. तो अभी हम लोग हैं हामबर्ग के पोर्ट एरिया में. बेसिकली हमने एक फेरी राइड ली है जो शिल्पा ने अभी आपको बताया वीडियो के अंदर कितनी क्या कॉस्टिंग कैसे क्या आपको उसकी टिकट ले सकते हो. सो बहुत ही एक डिफरेंट आज हमें चीज देखने को मिली है पोर्ट एरिया जो लाइफ में अपन लोगों ने कभी नहीं देखा. हाँ, ना लाइक इतनी मैसिव ships इनके बीच में से गए लाइक दोनों तरफ ships खड़ी हैं इतने बड़े बड़े कंटेनर्स. दे आर लाइक 1 किलोमीटर लॉन्ग एंड लाइक मे बी 7-8 फ्लोर्स टॉल. तो काफी सही एक्सपीरियंस था. इनमें अराउंड 20,000 15,000 कंटेनर्स ये लोग कैरी करते हैं लाइक एक पूरे शिप में. और एक शिप आई थिंक अराउंड 300 मीटर्स का भी लॉन्ग हो सकता है या फिर 400 में भी. लाइक थोड़ी देर पहले जो हमने देखा वो अराउंड 3 शिप थे और जो शिप में गाइड कर रहा था बंदा जो टूर बता रहा था वो ऑलमोस्ट बता रहा था कि एक पूरा किलोमीटर का लॉन्ग हो गया वो बेसिकली टोटल डिस्टेंस. सो इट्स वेरी मैसिव. और हामबर्ग इज आई थिंक मैंने अभी गूगल पे देखा 3rd busiest एयरपोर्ट है और बिगेस्ट एयरपोर्ट है इन यूरोप और 15th है एयरपोर्ट और सॉरी पोर्ट एरिया पोर्ट है बेसिकली पोर्ट है. सो यूरोप में है 3rd नंबर पे और वर्ल्ड में है 15th नंबर पे. और लाइक बहुत ज़्यादा शिप्स यहाँ से पास होते हैं.
Yeah, it was like very good and also like river में से Hamburg city का जो उस side से पूरा view आया वो भी काफी अच्छा था. तो अगर आप लोग Hamburg आते हैं तो ferry light लेना, बहुत अच्छा experience. दुनिया भर की मिर्ची डाल ली है और पिज्जा खाते हैं. वैसे डोमिनोज का पिज्जा यहाँ पे इंडिया वाले डोमिनोज से काफी अलग है और जो इंडिया में चीज बर्स्ट मिलता है वो यहाँ के डोमिनोज में नहीं मिलता.